देरवार रोड स्थित जागृत नगर विकास समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कॉलोनी में स्थित पसरेडी की जमीन पर कॉलोनी के कुछ निवासियों द्वारा अतिक्रमण करने पर आक्रोश प्रकट किया है। जागृत नगर विकास समिति के पदाधिकारी फैसिलिटी जमीन को अतिक्रमण से मुक्ति करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को नगर परिषद पहुंचे, जहां पर उन्होंने अतिक्रमण से फैसिलिटी की जमीन को मुक्त करवाने की मांग को लेकर एसडीएम तथा आयुक्त मृदुल सिंह को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कॉलोनी के ही श्री सीमेंट आसपाली में कार्यरत अधिकारी अरविंद पाठक ने उनके मकान के पास फैसिलिटी की जमीन पर जबरन कब्जा कर उस पर तारबंदी करवा ली है। ज्ञापन में बताया गया कि जागृत नगर विकास समिति की ओर से फैसिलिटी की जमीन से अतिक्रमण मुक्ति करवाने हेतु पूर्व में भी कई बार नगर परिषद प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन नगर परिषद प्रशासन के कान में आज तक जू तक नहीं रहेंगी, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन ने बताया गया कि श्री सीमेंट में कार्यरत अधिकारी ने कॉलोनी वासियों को पुलिस का रौब देकर डरा धमका कर चुप रहने को मजबूर कर रखा है। समिति के पदाधिकारियों ने फैसिलिटी की जमीन मामले में कुछ एसडीएम कार्यालय में तथा कुछ नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों की मिलीभक्ति होने का आरोप लगाया है। विकास समिति के पदाधिकारियों ने ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को भी बर्खास्त करने की आयुक्त से मांग की है। विकास समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण से उक्त फैसिलिटी की जमीन को अतिशीघ्र मुक्त कराकर उन्हें न्याय दिलाया जाए, जिसके चलते कॉलोनी वासियों द्वारा किसी तरह से धरना प्रदर्शन तक की नौबत नहीं आए और न ही किसी तरह से माहौल खराब हो। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट गोविंद अग्रवाल, संजय गर्ग, मोहन कुमावत, हरभजन यादव, गजेंद्र भट्ट, सत्यनारायण साहू तथा लोकेश आदि मौजूद रहे। आज हम कश्मीरी की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है श्री सीमेंट के एक अधिकारी श्रीमान अरविंद पाठक द्वारा, जो अनावश्यक ही कॉलोनी वासियों को परेशान कर रहे हैं और ना उस फैसिलिटी की जमीन को खुद के कब्जे में कर रखा है, ना किसी को उपयोग करने दे रहे हैं और ना किसी को करने दे रहे हैं। इसमें कॉलोनी में दो तीन और हैं जो नगर परिषद और रेजियम ऑफिस में कार्यरत हैं, वो भी अनावश्यक दबाव बना रहे हैं कि इस जमीन को हम ही उपयोग करेंगे और कोई नहीं कर सकता। हम ये चाहते हैं कि फैसिलिटी जमीन है सबके लिए होनी चाहिए, सब शादी ब्याह वगैरह अटेंड करने चाहिए। हमारी तो यही है कि भाई एसडीएम साहब से अनुरोध कि ये जमीन खाली करा के कॉलोनी वासियों को सपोर्ट करें, जो कॉलोनी वासी विकास करें कॉलोनी का भी और जमीन का भी।